पहुंच जाओ 10 बजे तक। ठीक है सर। ओके। आज सुनती हो? हाँ? नागिन का दूध ले आओ। अच्छी थोड़ी यहाँ आओ। ये डब्बा नहीं उतर रहा, मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है। हाँ? अपनी जुबान से ट्राई करो, वो ज्यादा लंबी है। आ रहे हो या नहीं? आ अरे नो सुनो, कल मेरा बर्थडे है। क्या गिफ्ट दूँ आपको? फिर थोड़ी ज्योति दे दिया करो। नहीं, आप गिफ्ट ही ले लो, वो मुझे सस्ता पड़ेगा। वैसे कल क्या पहनूं मैं? कुछ भी पहनो जिसमें तुम ज्यादा सुंदर लगो। आपको सबसे ज्यादा सुंदर मैं कब लगती हूँ? जब तुम सोई होती हो। क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारी जुबान भी बंद होती है। क्या? अच्छा मैं तैयार हो गया, मुझे ऑफिस के लिए जाना है। अच्छा, आज भी दारू पी के आना। क्यों? कल नशे में आपने पूरे घर में झाड़ू भी लगाई, बर्तन भी धोए और मेरे पैर भी दबाए थे। मेरे शरीर क्यों दर्द हो रहा है? क्या हुआ जीजा? कैसे शरीर में दर्द हो रहा है? पार्क में गया था, जॉगिंग करती है इसलिए। पार्क में जॉगिंग? क्यों? आप तो यही दौड़ लिया करो, बहुत जगह है आपके लिए। तुम दोनों बहने कभी इज्जत भी दे दिया करोगे। आपको इज्जत देने का टाइम बांध रखा है हमने। कब? जब आपको सैलरी मिलती है। अगर मैं आगे से अपनी सैलरी रोज लेके जाऊँ तो? ज्यादा इज्जत हजम नहीं होगी आपको। ये कहना चाहती है कि ज्यादा इज्जत मिलने से ना आदमी फूल जाता है, और अगर आप फूल गए फट जाओगे। अच्छा मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए। कॉलेज तक साथ चलें? नहीं। देख लो, अकेले थक जाओगे। ठीक है, चलो। मैं अभी रेडी हो गया हूँ। जिसे कितनी बार बोला आपसे गाड़ी के सपने मत देखा करो। 25 लाख की गाड़ी फ्री में मिल रही है, ऐसे सपने देखने में क्या जा रहा है? फिर हवाई जहाज के सपने देख लिया करो। चलाना सीख रहा हूँ से अभी। मतलब सपने कम आते ना, हवाई जहाज के इसलिए कोर्स पूरा नहीं कर पाया। जब सीख लेना तो बता देना। अभी चले? चलो। क्या हुआ? एक नंबर। अरे जीजा, घर से नहीं करके आ सकते थे? घर पे तो आया था, लगता है इसका छोटा भाई है। बैठ जा तो। ठीक है, जाओ। अरे हाँ, निकल चुका हूँ मैं तो। हाँ हाँ ठीक। अच्छा सुन, 2 मिनट रुक, मैं भी करता हूँ। ठीक है। और मेरी गुलाबो, क्यों धूम में अपने गोरे बदन को काला कर रही है? काले का तो नहीं पता, लेकिन तेरे गाल पे थप्पड़ मार दिया ना, तेरा गाल जरूर लाल हो जाएगा। तेरे होठों की तरह नहीं, कोयले की तरह, क्योंकि तेरा मुंह भी वैसा ही है ना। हाँ? तो मुंह और मुंह ठीक कर दो ना मेरा। अकेली हूँ, ये समझने की भूल भी मत करना। कौन है साथ में? बॉयफ्रेंड, भाई या फिर? नहीं, सॉरी मैडम, मुझे नहीं पता था आप शादीशुदा हो। ये आपका बेटा है? जीजा है मेरा। इतना छोटा जीजा, ये तो जीजा शब्द का जी भी नहीं है। तब तो मत जाइयो, छोटे लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है। फिर तू साइंटिस्ट क्यों नहीं बन गया? पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई ना। जीजा ये क्या लड़ाई वाले टाइम पे घर की बातें कर रहे हो? मारो इसे, ये मारेगा मुझे। हमारी लड़ाई पंजे पे होगी, जो जीत और हार का फैसला वही हो जाएगा। बोल, मंजूर है तुझे? हाँ मंजूर है। चल फिर चल। हाँ बोल। मैं तुझे 500 दूंगा अगर तू पंजे में हार जाएगा। 500 रुपए में बिकने वाला इंसान नहीं हूँ मैं। 700 देगा तो बोल। 700 रुपये एक बोतल तो आएगी। अभी हारने के बाद शाम को गम भी तो बुलाना पड़ेगा। दूंगा, चटनी भी पैसे दूंगा। सच में? पर मेरी साली के सामने बेइज्जती ना हो पाए, ध्यान रख लियो। चटनी के पैसे पक्का देगा ना तू? हाँ। फिर तो 2 बार हरा लियो। चल। जीजा 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 जीजा। एक बार और हो जाए। जीजा 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 जीजा। यार तुम दिखने में बड़े छोटे लगते हो, बट हो बड़े ताकतवर। आखिर जीजा किसके हैं? हाँ तेरी है, पता है मुझे। बेटा निकल गया, चुपचाप यहाँ से। क्यों? नहीं तो क्या करेगा? नहीं प्यार से तुम्हें शाम की तैयारी भी तो करनी है। हाँ ठीक है। क्या तैयारी जीजा? नहीं कुछ नहीं, चलते हैं। नहीं कॉलेज तो मैं गई थी, लेकिन यार इतना एंजॉय नहीं कर पाई। तू नहीं आई थी ना कॉलेज में, इसलिए। और तुझे तो पता ही है। हाँ। उत्तरी, आज फिर 700 का इंतजाम हो गया। ओके बाय। कैसी हो जान? उस दिन की हार रास नहीं आई तुझे? शायद तुम्हें एक बात नहीं पता। क्या? हार के ही जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, समझे? नहीं, लेकिन मेरे जीजा जी आएंगे ना, वो जरूर तुम्हें समझा देंगे। जीजा कहाँ है वो? यार प्लीज मिलवा दो ना, एक बार मिलवा दो ना यार, प्लीज मिलवा दो ना यार। तुम हारने के बाद भी मेरे जीजा जी से क्यों मिलना चाहते हो? मैं पिछली बार की तरह हारने के लिए तैयार हूँ, बस वो पिछली बार की तरह 700 रुपए दे दे। 700? हाँ, मुझे उन्होंने हारने पे 700 रुपए दिए थे। क्या जीजा जी ने 700 रुपए दिए? इसका मतलब मेरे जीजा जी फुर्ती है, कमजोर है, नल्ले। घर पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझसे झूठ बोला उन्होंने। क्या करूँ मैं इनका? लड़की पागल तो नहीं होगी? खाना दे दो। लगता है मार क्यों रहे हो जीजा? तुम हो गया, मुझे लगा तुम्हारी दीदी है इसलिए थप्पड़ मार दिया। मुझे उन्होंने हारने पे 700 रुपए दिए थे। क्या थोड़ी देर के लिए मुझे और दीदी समझ सकते हो क्या? इतनी रोमांटिक मूड से बोलोगी तो कौन मना करेगा। अच्छा अभी तुम्हें बताती हूँ, ऐसे तो घर में बहुत शेर बनते हो। मैं बताऊंगी। मुझसे तो तुमने इतना झूठ बोला, एक नंबर के फट्टू हो तुम, फट्टू। इतना शेर बन लेते तुम वहाँ पे मेरे को झूठ बोल के, फट्टू हो तुम, फट्टू। अब तुम्हें पता चलेगा कि लड़के क्या होते, बहुत मारते हो ना तुम, ऐसे तो पूरे घर में शेर बन के घूमते हो। निकलो यहाँ से। और एक बात को कान खोल के सुन लो, अगली बार से मेरे रूम में आए ना तो ठीक नहीं होगा। तुमने मुझे अपने कमरे में जाने लायक नहीं छोड़ा। क्या क्या कहा? जा रहा हूँ मैं। मारूंगी इसकी तो नहीं आती, इतना देर क्यों बोला? थोड़ा गिर गई इसको, आंख लग गई। वो बिस्तर पे गिर गई थी तो आंख लग गई। आप भी ना बड़े बेवकूफ हो, मजाक भी नहीं समझते। पहली बार मुझे तेरे बाप ने बेवकूफ बनाया, अब इसलिए बच्चे बना रहे हैं। कुछ नहीं रहा था, खाना निकाल दूं तो भूख लग गया। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको चोट लगी हो? हाँ, वो रास्ते में गिर गया था। आपको कितनी बार कहा है कि सुबह भगवान के हाथ जोड़ के जाया करो, सब अच्छा होगा। कुछ नहीं अच्छा होता। क्यों? शादी वाले दिन में तो हाथ जोड़ के निकला था। क्या